हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर, यानी आप स्टॉक स्क्रीनर का कैसे यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक स्क्रीनर यूज करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं जो स्टॉक स्क्रीनर को यूज करके कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप स्टॉक स्क्रीनर को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे साथ अपस्टॉक या फिर जीरोधा में डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको फ्री एडवाइजरी और टेक्निकल टिप्स मिलेगा, हम आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे। अपस्टॉक या फिर जीरोधा के द्वारा जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाएगा हम उसके बारे में फ्री ट्यूटोरियल देंगे, कैसे आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। टेक्निकल और फंडामेंटल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पे आता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे जिसको आप यूज करके एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप उस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक वेबसाइट जो कि है equity2commodity.in। तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गया। जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा, इस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर ओपन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा एनएससी और बीएससी स्टॉक स्क्रीनर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एनएससी और बीएससी स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फॉरेक्स और कमोडिटी स्क्रीनर के ऊपर, और दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेके हम बताने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे यहाँ पे सारा कुछ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सारा कुछ बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ जिसमें रिसेंटली उसने बाय या सेल का सिग्नल दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जेपी वाई आई एन आर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जेपी वाई आई एन आर का चार्ट ओपन हो गया और ये चार्ट 4 आवर का चार्ट है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने दो इंडिकेटर यूज किया, सबसे पहला जो ऊपर है वो है एरन और नीचे जो कि वो है मैकडी। तो दोनों इंडिकेटर को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये जो मैकडी का लाइन है जब ये ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें बाई करना, और एरन में उल्टा होगा जब रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तब हमें बाई करना। तो कंफ्यूज नहीं होना, एरन में थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, रेड लाइन ऊपर जाता है तो हमें बाई करना और मैकडी में ग्रीन लाइन ऊपर जाता है तब हमें बाई करना। और इसमें कुछ कंसिडरेशन करने होते हैं तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिडिल में ये जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन के करीब अगर कोई भी सेल सिग्नल आता है या बाय सिग्नल आता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर एक थोड़ा सा स्पेस दिख रहा और उसके नीचे एक बड़ा सा स्पेस दिख रहा। तो जब हमें बाय का सिग्नल मिलेगा तो वो ये नीचे वाले पार्ट से मिलना चाहिए, और अगर हमें सेल का सिग्नल मिलेगा तो ये ऊपर वाले पार्ट से मिलना चाहिए। और अगर नीचे वाले पार्ट से हमें सेल का सिग्नल मिलता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और अगर ऊपर वाले पार्ट से ये छोटा सा जो ऊपर वाला पार्ट है अगर यहाँ से हमें बाय का सिग्नल मिलता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब हमें ये जो ग्रीन लाइन है वो रेड को क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए और ये वाला नीचे वाले पार्ट में होना चाहिए। ये जो ग्रीन लाइन है वो रेड को क्रॉस करके नीचे आना चाहिए और ये वाला कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाले पार्ट में, तो ये वाला सेल सिग्नल कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है वो रेड को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है और ये नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ पे ये बाय सिग्नल कंसिडर होगा। और बीच में देखिए यहाँ पे इसने बहुत सारे बाय और सेल का कॉल दिया लेकिन ये कंसिडर नहीं होगा। और एरन में तो आपको सिंपल है, जब रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा हमें बाय करना और रेड लाइन ग्रीन को क्रॉस करके नीचे आएगा तो हमें सेल करना। तो यहाँ पे देखिए 7 मार्च को इसने बाय का कॉल दिया था मैकडी ने, और उसके बाद के नेक्स्ट डे यानी 8 मार्च को इसने भी बाय का कॉल दे दिया। मतलब हमें यहाँ पे बाय कर लेना, बाइंग रेंज जो होगा वो करीब करीब 62972, यानी इस रेंज के करीब हम बाय करेंगे यहाँ पे, और ये पोजीशंस मेरा ओपन पोजीशंस है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 62714। यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट कुछ टाइम के लिए रुका, इसको हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। टारगेट मेरा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट जो कि होगा वो ये होगा जो कि 63340 के करीब होगा, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। अब यहाँ पे आने वाले टाइम में आप इजीली देख पाएंगे कि ये मेरा टारगेट अचीव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, क्योंकि ये ओपन पोजीशंस मैंने बताए। और उससे पहले सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे इसने कुछ बाय सेल का सिग्नल दिया था लेकिन एरन की तरफ से यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैकडी का ग्रीन लाइन वेट को क्रॉस करके नीचे आया मतलब सेल का, लेकिन यहाँ पे क्या है ये जीरो के करीब है, यानी एग्जैक्टली जीरो पे क्रॉस किया तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एरन ने भी
सेल का कॉल दे दिया था लेकिन इसको कंसीडर नहीं करें, और यहाँ पे मार्केट नीचे भी आया लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें मैग्डी की तरफ से फुल कंफर्मेशन नहीं आया। उससे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए बाय का कॉल दिया और ये बाय का कॉल जो कि वो नीचे वाले पार्ट से दिया, ये ज्यादा नीचे नहीं लेकिन फिर भी नीचे वाले पार्ट से, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। और उसके कुछ टाइम बाद एरन ने भी बाय का कॉल दिया, तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर भी गया। देखिए यहाँ पे ये मेरा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा और ये टारगेट को ये टच किया। उससे पहले बात करते, यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे इसने नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इसके बाद जब एरन ने बाय का सिग्नल दिया तब तक दोनों साथ ही साथ चल रहा था, तो यहाँ पे हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट साइड वाइज है, तो यहाँ पे हमें पोजिशन नहीं बनाना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल का कॉल दिया है और ये ऊपर वाले पार्ट से, तो इसको हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे जस्ट उसी टाइम एरन ने भी सेल का कॉल दिया, तो इस लेवल पे हम सेल करेंगे जो कि होगा 64483 करीब, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 64714, और मेरा टारगेट जो कि होता है इमीडिएट टारगेट वो करीब करीब होता है 63883 के करीब। तो उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर से ये नीचे आया और यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया। तो लास्ट 2-3 टाइम्स में टारगेट हिट हो गया और अभी एक ओपन पोजिशन है, तो आप इसके बेसिस पे इजली डिसाइड कर सकते हैं जो आगे क्या हो सकता है, टारगेट हिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं, या आपको मैं अपडेट करता रहूंगा यहाँ पे जो टारगेट इसका हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट या फिर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।